बच्चों, कक्षा 6 के आज मैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रदूषण महाविनाशक। प्रदूषण का अर्थ है गंदगी पड़ना, फैलाना, गंदा करना। हम वातावरण को तरह तरह से गंदा गंदित गंदा फैला रहे हैं। वातावरण में जल को, वायु को, ध्वनि को, मिट्टी को हम प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस तरह चार तरह के प्रदूषण हो गए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। जल प्रदूषित हो रहा है, शहर से निकलने वाली गंदी चीज़ें नाले के द्वारा नदियों में, तालाबों में, समुद्र में पहुंच रहे हैं, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। और गंदगी साथ ही साथ गांवों में लोग अपने पशुओं को ले जाकर नहलाते हैं, खुद नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। जल ही जीवन कहा जाता है। जल प्रदूषण होने से हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। उन जल को पीते हैं और हमारे अंदर वह गंदगी जाती है, जिसके कारण तरह तरह के रोग हो रहे हैं। आस्थमा के रोग, टीबी के रोग इत्यादि तरह तरह के रोग फैल रहे हैं। साथ ही ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, लाउड स्पीकर द्वारा, मोटर गाड़ियों के आवाज़ द्वारा, कल कारखानों के मशीनों के आवाज़ द्वारा ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, जिससे हम लोगों के दिमाग में टेंशन होता है। लोग कभी कभी पागल भी हो जाते हैं इन ध्वनि प्रदूषणों के कारण। हैं, दिमाग की गति तेज़ हो जाती है और लोग पागल तक हो जाते हैं। साथ ही भूमि का प्रदूषण हो रहा है। खेती की जाती है, खेत की फसल अधिक पैदा हो, इसके लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव के कारण फसल तो अधिक उगते हैं, किंतु उसमें जहरीले पदार्थ मिट्टी के अंदर जा रहे हैं, जिससे मिट्टी प्रदूषित हो रही है तथा सड़े गले चीज़ों को हम मिट्टी के अंदर भी डाल दे रहे हैं, अतः मिट्टी प्रदूषण होती चली जा रही है। साथ ही हवा प्रदूषण हो रहा है। हम गैस से निकलने वाली, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, घर में जलाने वाले वस्तुओं के कारण धुएं जो उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो रही है और हम सांस लेते हैं और हमारे फेफड़े के अंदर वह वस्तु चली जा रही है, जिसके कारण क्या चीज़ तरह तरह के रोग, टीबी रोग, आस्थमा इत्यादि तरह तरह के रोग हो रहे हैं, चर्म रोग भी हो रहे हैं। अतः प्रदूषण को रोकना हमारा कर्तव्य है। एक समय था जब लोग पेड़ पौधे का कटाई कम करते थे, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे, प्रकृति के साथ कार्य करते थे, जिससे प्रदूषण कम होता था। लेकिन जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ने के कारण आवश्यकताएं बढ़ती गई, उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जाने लगा। जंगलों को काट कर खेती की जाने लगी, गांव बसाने जाने लगे, शहर बसाए जाने लगे, कर कारखाने बसाए जाने लगे, जिसके कारण प्रदूषण की संख्या बढ़ती ही चली गई। अतः हमारा कर्तव्य है प्रदूषण का रोकना। हम वृक्षों को कम काटें, लकड़ी की जगह हम फर्नीचर जो बनाते हैं, लकड़ी की जगह हम लोहे, स्टील, इन वस्तुओं का प्रयोग करके फर्नीचर का प्रयोग करें, अन्य वस्तुओं का प्रयोग करें, तथा साथ ही साथ एक वृक्ष काटने के पहले कम से कम 10 वृक्ष लगाएं। इस तरह हर 5 जून को भी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साल में एक सप्ताह भी, एक सप्ताह का दिवस से पर्यावरण सप्ताह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके कि प्राकृतिक को बचाया जा सके, प्रदूषण को रोका जा सके। अतः बच्चों, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण रोकें। हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनमें ऐसा ख्याल रखें कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। हम जो बाज़ार जा रहे हैं, कागज़ के थैले का प्रयोग करें, कपड़े के थैले का प्रयोग करें। जो प्लास्टिक बहुत दिनों तक रह जाता है, सड़ता गलता नहीं है, और अतः इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम धुएं
की जगह धुएं जहाँ पर लकड़ी से उत्पन्न होता है, कोयले से उत्पन्न होता है, हम गैस का प्रयोग करें, बिजली के बस से जलने वाली चूल्हे का प्रयोग करें। अतः इस तरह वातावरण को हम बचा सकते हैं, और यही वातावरण बचा रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी को असुविधा नहीं होगी। अतः हमारा कर्तव्य है हम वातावरण का संरक्षण करें, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं।